नर देवता। हिंदू मत में 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कही गई है। इसकी हकीकत मेरी चेतना में उभरती है जब सोचता हूँ कि बिना संसाधन और समझदारी के मेरा जीवित रहना कैसे मुमकिन हो पाया। मैंने तो अपनों को परेशानी में डाला था, खासकर अपने सेवानिवृत्त निःस्व पिता को, परिवार के संतुलन को, दोस्तों के लिए दुविधा की हालत प्रस्तुत कर दी थी। मेरी पूंजी मात्र मेरी साधारण सी नौकरी थी। दुनियादारी का शऊर न मुझ में था न मेरी पत्नी। ऊपर से हम दोनों के बीच सामंजस्य की कमी रहा करती थी। आदर्श का कुहासा मेरी समझ पर छाया हुआ था, जिसके कारण अपनी हिफाजत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बेअसर सी थी। मैंने बिहार, बंगाल, असम तीन राज्यों के शहर में काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद चंडीगढ़ में बस गया। पहली नौकरी अपने शहर में थी, बाकी सब सर्वथा अपरिचित लोगों और परिवेश के बीच थी। कुल 7 संस्थानों में काम किया। पढ़ाई रुक रुक कर पूरी हुई, आय हमेशा सीमित रही, आर्थिक संचय कभी कुछ भी नहीं हो पाया, नहीं होने का एहसास भी नहीं रहा था। कभी कभार लगता था कि कोई आकस्मिक संकट आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी, पर हम कभी मुरझाए नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का आचरण कभी हुआ कि लोग हमें बेचारा कहें। अचरज होता है, तभी बांग्ला साहित्यकार शंकर का एक अवलोकन प्रासंगिक लगता है। मेरे पास कहने को एक ही बात है, यह धरती अभी भी प्यार से खाली नहीं हुई है। जीवन के जटिल यात्रा पर बार बार अनात्मीय व्यक्तियों का प्यार पाकर धन्य हुआ हूँ मैं। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ उस नर देवता को जो अनेक व्यक्तियों की देह में उनके अनजानते ही वास करते हैं। नर देवता बहुत बड़ी बात है ना? देवता शब्द आज अंग्य हो गया है, लेकिन विश्वास करें, इस मानव तीर्थ में मैंने बार बार उन्हें खोज निकाला है, पाया है उनका अपार स्नेह प्रश्रय, जिसने मुझे इस दयाहीन स्नेहहीन पृथ्वी में जीवित रहने और विकसित होने में सहायता की है। सीमाहीन मरुभूमि में ये लोग वटवृक्ष की तरह खड़े रहा करते हैं, मनुष्य के मन में समाज के संबंध में विश्वास वापस ले आने के लिए, मनुष्य के मनुष्यत्व को जगाने के लिए। मैंने अपना पूरा जीवन स्वर्गलोक के देवताओं के पीछे समय नष्ट न कर स्मरणीय वर्णीय एवं प्रियतम लोगों के जीवन से दुर्गम तीर्थयात्रा का पाथेय संग्रह किया है। मैंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने का इरादा छोड़ ही दिया था, पर मेरे अनजानते मेरे शिक्षक प्रोफेसर मुखर्जी ने मेरे लिए ऐसी नौकरी की व्यवस्था कर दी जिसमें 7 आगे की पढ़ाई करना संभव हुआ। वे अनोखे आदमी थे, बहुत कम बोलते थे, उनके अधिकतर छात्रों को उन्हें खड़ूस कहते हुए सुना था, पर मेरा परिचय उन्होंने ही गढ़ा। हम दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक अध्याय में सर्वथा अपरिचित पूर्व के सिलचर शहर में करीब 20 महीने रहे। वहाँ के लोगों का अयाचित अकुंठ स्नेह मिला, सहज रूप से कॉलेज और शहर के समाज में स्वीकृति मिल गई थी। कॉलेज के सेक्रेटरी श्री आशुतोष दत्त ने कहा, मेरा छोटा बेटा तुम्हारी उम्र का है, वह भी लेक्चरर है, इसलिए मैं तुमको तुम ही पुकारूंगा। मैं आश्वस्त हो गया। शहर में डॉक्टर कल्याणी दास चिकित्सक सह अभिभावक हो गए थी। श्री रमेश देव और सर्वोपरि श्री अनंत देव के साथ की सांध्य गोष्ठियों में मित भागीदारी ने मुझे सुरक्षा की सहज आश्वस्ति दे दी थी। संयोग ऐसा था कि मेरे संपर्क में जो लोग आए सबके सब स्नेहशील और सामाजिक चेतना से युक्त थे। कितने ही नाम हैं जिन्होंने सहजता और गर्मजोशी से हमें आश्वस्ति दी। आरी जटिल जीवन यात्रा के प्रारंभिक भाग में हमारे लिए यह विधाता का आशीर्वाद था। इसके बाद की अवधि में भी नरदेवता का आशीष हमें मिलता रहा है। सीवान में डॉक्टर अच्युत घोष से परिचय हुआ। वे होम्योपैथ थे।
उन कखाने में करीने से सजी हुई किताबों की अलमारियां थी। लगता था जैसे पूजा घर में विग्रह हो। डॉक्टर गोश सुरुचि संपन्न व्यक्ति थे। किताबों से, किताबें पढ़ने वालों से उनको लगाव था। वे किताबों के प्रति आग्रह रखने व आदर करते थे। उनके संग्रह से उनकी सुरुचि जाहिर होती थी। किताबों को वे विग्रह की तरह ही जतन से रखते थे। मुझे बांग्ला साहित्य की उत्कृष्ट रचनाओं से परिचित होने का अवसर मिला। खासकर मानिक बंद्योपाध्याय की पुस्तकों ने मेरी जीवनी को परिष्कृत और परिभाषित किया। सीवान में डॉक्टर के पी वर्मा, उमेश दत्त शुक्ल, नथुनी बाबू, हाशिम साहब, फैजुल हसन, भोला बाबू, महेंद्र बाबू, लाल बाबू नामों का एक अनगिनत सिलसिला है। सहकर्मी थे, स्कूल शिक्षक थे, वकील थे, व्यापारी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इनसे मेरा समाज बना हुआ था, एक सुरक्षा चक्र और स्वीकृति की सम्माननीयता से सज्जित हुआ था मैं। स्वजनों से मिलती रहने वाली चोट सहने की शक्ति इन अनात्मियों से मिलती रही है। मेरे बचपन के दोस्त मेरे स्वजनों के दबाव के बावजूद मेरे साथ खड़े रहे थे। वे सब लोक साहित्य के पात्रों की तरह साधारण लोग थे। सेवानिवृत्ति के बाद इन लोगों के बीच ही का मन बनाया था, पर मुमकिन नहीं हो पाया। एक बार फिर अपरिचित परिवेश में अनुकूलित होने की मशक्कत करने की जरूरत पड़ गई। चंडीगढ़ में अपने चिकित्सक पुत्र के साथ। खासियत यह थी कि यह जीवन का सबसे अधिक कठिन अंतिम अध्याय था। हमें अपने परिचय के बजाय अपनी संतान के परिचय से जीना था। नर देवता पर विश्वास ही मेरा संबल था। यहाँ संयोग से पंजाब विश्वविद्यालय के डॉक्टर विजय कुमार सिंह और रैनबैक्सी के श्री बलदेव दे से परिचय हुआ। मुलाकातें होती रही, मैं ही चक्कर लगाता इन दोनों के ठिकानों पर। विजय बाबू से कंप्यूटर तथा इंटरनेट के बारे में बातें होती, मेरी जिज्ञासा को सम्मान मिलता रहता और मेरा आनंद बढ़ता जाता। विद्यार्थी रह महसूस करता अपने आप को। विजय बाबू ने उत्तरोत्तर उत्साह और सम्मान के साथ मुझे प्रशिक्षित होने में प्रोत्साहित किया। मैं विजय बाबू के प्रश्रय से कंप्यूटर इंटरनेट की आवश्यक जानकारियां अर्जित कर पाया और जीवन संगी चुनौतियों से रूबरू होने के लिए जरूरी हथियार मिल गया। बलदेव के जुनून, स्नेह, सम्मान और सीखते रहने की प्रवृत्ति से मुझे आश्वासन मिला कि मैं प्रासंगिक हूँ। मैं स्नेह और सम्मान अर्जित कर सकता हूँ। बलदेव के जरिए राजर मेरे व्रत में शामिल हुआ। इन दोनों की जिज्ञासा अपने को सशक्त करते रहने और अपनों को सहारा देने के सहज संघर्ष ने मुझे ऊर्जा दी। बलदेव और राजशेखर मुझे एहसास दिलाते रहे कि मैं उन लोगों के लिए रोशनी का साधन हूँ। यह आस कितनी सार्थकता और शक्ति देता है कहना नहीं होगा। राजशेखर ने कई एक बहुत ही सुंदर पुस्तकें मुझे उपहार में ही नहीं दी, पढ़ने को भी प्रेरित किया। इन पुस्तकों ने जीवन के विरोधाभासों के साथ सहज होने की समझ दी। कंप्यूटर और इंटरनेट की सुलभता ने मुझे प्रासंगिकता दी। आंखों से परे का जगत संसार प्रत्यक्ष हो उठा। ऐसे लोगों से परिचय हुआ जिनसे मिलने का कोई आश्वासन नहीं था। उनसे स्वीकृति और सम्मान मिला। मैंने अपने आलेख प्रकटन हेतु पत्रिकाओं में भेजे। संपादकों और पाठकों की स्वीकृति मिली। अपने लेखन को स्वीकृति का एहसास हुआ। इस उपलब्धि से वंचित होने की कचोट दूर हुई। इसी सिलसिले में गर्भनाल पत्रिका के माध्यम से श्री आत्माराम शर्मा से परिचय हुआ। देश पत्रिका के संपादक श्री सागरमय घोष की कहानी याद आई। वे अपरिचित लेखकों को प्रकाश में लाने में अकृपण थे। 33 करोड़ नामों के बीच से इतने ही का उल्लेख हो पाया है।
सचमुच तैत्रोड़ होंगे वे लोग। उतने का नाम एक साथ ही अलग अलग कह पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, पर उनमें से किसी के प्रति मेरी कृतज्ञता का अंत नहीं है। जब भी उनमें से किसी का स्मरण होता है तो वह अनन्य लगते हैं। कुल मिलाकर यह कृति कबूलनामा है कि मुझे इन नरदेवताओं ने ही गढ़ा है। मेरे अंदर जो कुछ अच्छा है वह इनकी और मेरे द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की बदौलत है। नरदेवताओं ने ही बिना किसी प्रस्तुति के, बिना किसी संचय के, बिना सुरक्षा कवच के जीवन की विकारी असीम संभावनाओं को अर्घ्य देते रहने का सुयोग मुझे दिया।